आपका स्वागत है. आई एम गोपाल एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव व्लॉगिंग एंड आई एम जानवी द ब्राउन डॉटर. आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज. आर यू एक्साइटेड? आई एम. एंड ऑल्सो गाइज, वी आर इन जयपुर. यस यस, वी आर इन जयपुर. तो बताओ हम क्या करने वाले हैं. हाँ, सो वी विल बी डूइंग 500 vs 15,000 rupees फूड चैलेंज फॉर लेजिट 24 आवर्स. अच्छा, मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ क्या होगा. सो हमारे पास एक बजट है 500 rupees का और एक बजट है 15,000 rupees का. और हम हर मील से पहले सिक्का उछालेंगे. जो भी जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि वो 15,000 वाली में से मील लेगा या 500 वाले से मील लेगा. हमने पहले सोचा था कि एक ही बंदे को दे देते हैं 500 rupees. फिर हमें पता हुआ कि वो मुझे रात तक यही खाना है. बट एवरी मील से पहले There will be an excitement कि क्या मिलेगा, हमें एक महंगा वाला मिलेगा या you know relax. And you will get to experience both. Just so happy and so excited. By the way guys, हमने breakfast कर लिया है. ये हम intro बाद में film कर रहे हैं. Good morning you guys. हम लोग actually late हो गए बहुत ज़्यादा क्योंकि सुबह late सुबह उठे थे. अभी breakfast buffet खत्म हो जाएगा जिसके भी नसीब में आएगा. तुझे क्या खाना क्या वैसे तुझे? मुझे कुछ भी चलेगा morning के लिए. मुझे भी tails. ओके, जानवी ले रही है टेल्स और फिर वही डिसाइड करेगी कि कौन क्या. जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा. ओके ओके, पता मैंने ये सब कभी किया नहीं. सो सो एक्साइटेड. चल चल चल. ओके, गो अहेड. तक तक. ओह, इट्स अ हेड 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 हेड. तो ये जाएगी ब्रेकफास्ट बुफे. यस, ऑब्वियस सी बात है, मैं क्योंकि मुझे पसंद है ब्रेकफास्ट बुफे. हेलो, तब तक मैं पैकिंग करके रखती हूं. हां, बस उसके बाद बुफे चाहे लेट हो या जो, मैडम ने कल जो शॉपिंग की थी वो इयररिंग्स पहन के डाले. 10:30 बजे बुफे खत्म हो जाएगा, अभी तक हम निकले नहीं. तो काम ही कर रही हूं ना साथ में. बस मेरे को ब्रेकफास्ट जैसे जल्दी जल्दी हब्बड़ हब्बड़ नहीं खाना. मेरे को इसलिए इतना सारा पैसा दूंगी तो आराम से खाऊंगी. फिर तो यू कैन ईट इट आराम सारा, फिर अपने प्लेट में भर के रख लूंगी अपने टेबल पे. हर बार ब्रेकफास्ट के लिए मैं लेट चल रही हूं. तो ओला गाइस आल्सो ditching us, I guess. Guys, ये legit महल है. इतना सुंदर है ये. This is beautiful. The breakfast option is here. Oh, I'm excited. A lot of fancy stuff. Excited and the buffet is good. They don't have bakery items. बाकी से लाइक बहुत ऐसी ना रॉयल्टी के साथ ही लोग आपको ब्रेकफास्ट खिलाएंगे. इनके जो बर्तन वर्तन भी है ना वो भी बहुत ऐसे रॉयल आपको फीलिंग देंगे. आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव स्ट्रॉबेरी योगर्ट. यू नो साउंड्स वेरी फैंसी से अमीरो का दही स्ट्रॉबेरी वाला. गाइस, दिस इज जस्ट लाइक 10% जो मैं लेके आई हूँ. दे इवन हैव हनी एंड जैम. हाँ, कितनी फैंसी बॉटल्स में ये पर्स में डाल के लेके जा सकते हैं. जैसे बूफे के अलावा यहाँ पे डोसा, उत्तपम, स्टफ, पराठा, पूरी भाजी, मेंदू वड़ा, बेसन चीला, पोहा, सूजी उपमा, इतनी चीज़ें आप और ऑर्डर कर सकते हो जो वो वहाँ पे थी. काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे जूस वगैरह हैं. इट्स गुड. द गाय हु इज प्लेइंग फ्लूट, वो ना फ्लूट से गाना बजा रहा है. अपना दिल तो आवारा न जाने किस साथ के साथ अपनी बेवकूफियाँ भी बता रही है. यस जानवी, तो मैं बताती हूँ. आज मैं शार ले रही थी और हम लोगों का ना बहुत जल्दी जल्दी करना था क्योंकि हम लेट हो रहे थे. तो मैं पता नहीं क्या सोच के बाल धुल रही, मुझे पता नहीं. मैं कंडीशनर पे कंडीशनर लगाए जा रही हूँ. मैं 3 बार लगा रही हूँ और मुझे ना एक बार बड़ी मम्मी ने बताया था अगर फोम नहीं हो रहा इसका मतलब आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे. और मैं लाइक बहुत गंदे मैं कंडीशनर लगाए जा रही. उसके बाद आई चेक, ओह शिट, मैं तो कंडीशनर लगा रही हूँ. गाइस, मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो रखे ना कि कंडीशनर से बाल धुले तो सॉफ्ट ही होंगे ना. पहले कंडीशनर लगाया फिर मैंने शैम्पू लगाया. बिल इज फॉर ₹1475 का ब्रेकफास्ट किया है हमने. रेट योर ब्रेकफास्ट आउट ऑफ 10? माय ब्रेकफास्ट आउट ऑफ 10 पैसे देखने के बाद थोड़ा कम जाएगा, बट लाइक सो आई रेट 8 out of 10. द कॉफी इज गुड एक्चुअली. ओके गाइस, वी आर हियर एट गुलाब जी चाय कैफे. इनकी चाय हमने पहले पी है बट यहाँ नहीं, इनके ब्रांच पे. एंड काफ़ी अच्छी वाइब है. आई लाइक ओपन रेस्टोरेंट, इट्स परफेक्ट. लुक्स क्वाइट गुड. ये नींद भगाने के लिए चाय चाहिए मुझे.
सुबह के 11 बजे और मुझे ऑलरेडी नींद आ रही है। आप में मेरे जैसा टैलेंट बताओ? नहीं, किसी में तेरे जैसा बेकार टैलेंट नहीं है। मैंने थोड़ा सा मैथ्स लगाया है और हम खाएंगे ब्रेड समोसा। ब्रेड समोसा और कुछ? और गुलाब जी की चाय। ब्रेड का बिल पड़ेगा 60-70 रुपए का। जा इन लोगों को पहले बिल देख रहे हैं, हमें लाने दो, जो जो है आपके पास सब लेके आओ, पैसे की कमी नहीं है। बन समोसा ज्यादा अच्छा। चलिए बन समोसा कर, 50 रुपए का बन समोसा, 20 रुपए का चाय। ओके गाइस लेट्स टेस्ट इट एंड दैट्स आवर इट्स गुड, स्मेल सो गुड, एवरीथिंग इज वेरी फ्रेश, वेरी नाइस, बहुत मजा आई मुझे खाने में। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, इट वॉज वेरी गुड। मेरा पेट भर गया है, नॉट प्रॉपर भर गया है बट भर गया है, एंड आई रेट दिस 8 out of 10। गाइस टुकटुक टुकटुक मुझे बड़ा पसंद है टुकटुक। अभी हम जा रहे हैं वापस हमारे होटल पे, हम मिलेंगे लंच को, उससे पहले ना हमें थोड़ा काम है वो भी हम निपटाते हैं। हाँ, फूड के लिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, स्ट्रीट पे भी आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा यम्मी यम्मी खाना मिलेगा, कैफेज भी बहुत सुंदर सुंदर है, और वो राजा महाराजाओं वाले महंगे महंगे होटल भी काफी सुंदर सुंदर है। एंड राइट नाउ इट इज 2 o'clock, सो फटाफट डिसाइड करते हैं कौन क्या खाने वाला है। चल ये बार तेरा क्या? मेरा यही 2 रुपए तेरे हेड्स मेरे। मम्मी एक मिनट, आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? इधर आओ चलो 5 6 7 को तो जानवी देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले मैं एक स्पीच देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत बुरी है, फिर भी मैं क्योंकि बहुत अच्छी बड़ी बहन हूँ तो मैं इसको दूंगी अच्छा खाना, 15,000 वाला खाना। अब बदल नहीं सकती? हो सकता है वहां जाके मैं पलट जाऊं। क्या हो गया? चलो लेट्स गो। बिकॉज़ मैंने सुबह खा लिया था, मेरा पेट इतना भरा हुआ है अभी, तो आई एम लाइक नहीं, आई एम वेरी हंग्री। बहन का दुख दर्द में सोच व्हाट, अभी तो मेरे को भी भूख लग रही है क्योंकि मैंने ना वो 15,000 वालों का मेन्यू स्क्रॉल करके देखा है, बट आई एम फाइन, मेरे को इतना महंगा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। आई विश पेशावरी पुलाव बंद हो गया होगा। वो लोग हमारा करवा दे रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। गाइस अला काटे है, जानवी वैसे पूरा नहीं खा पाई थी। तंदूरी फूल मंगवा के देख। कॉलीफ्लावर सीजन विथ येलो चिली एंड स्पाइसेस, कोटेड विथ स्पाइस्ड बैटर ऑफ ग्राम फ्लोर एंड अजवाइन। मैं बताऊँ ये क्या है? ये है फूल गोभी के पकौड़े। कितने के फूल गोभी के पकौड़े? 1,350 रुपए की सब्जी। 1,350 रुपए के पकौड़े, मैं पूरी जिंदगी की बारिश में खाऊं 1,350। अच्छा रुक जा, इनको बोलना कोई अच्छी। नहीं उनको मत बोल अच्छी, वो अच्छी बोलेंगे 13,000 इधर ही निपटेगा। अभी मेरे को शाम का खाना रात का भी खाना है। रुमाली रोटी 250 रुपए की है। कमेंड फॉर समवन, दाल बुखारा। या यू कैन ट्राई इट, इवन आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दाल बुखारा। ओके वी विल गो विद दाल बुखारा। जानवी के साथ केवी की ड्रेस में। हाँ ये केवी की ड्रेस है, मैंने देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता। देखो अमीर दोस्त खिला रहे, बाकी आई कैंट अफोर्ड इट। ओके भाई इट स्मेल्स रिच। अच्छा आर यू हैप्पी? या बट द अमाउंट दैट वी हैव पेड थोड़ा सा आई एम लाइक बाकी इट इज टेस्टी, नो डाउट इट इज वेरी टेस्टी, बट you won't spend this much money for this. नहीं, तुझे क्या लगता है बिल कितने का होगा?
तूने तीन चीज़ें ऑर्डर की थी। वी आर आउटसाइड एंड हमने खाना खा लिया है। इट वॉज गुड, मैं पूरा कम्प्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अकेले खाना था सब कुछ। तो दाल काफ़ी अच्छी थी, बेसिक थी, फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा ऐसे लाउड नहीं थे, सो इट वॉज गुड। बट आई थिंक मुझे कुछ और भी ऑर्डर करना चाहिए था। आई गेट 6 out of 10। I would also like to show you my OOTD जो मेरा है, सच बोलियो, सच बोलियो। तो फिर ये भी तो मेरा है जो तूने पहन रखा है। पता है ये अमीर रेस्टोरेंट्स में ये फायदे होते हैं, ऊपर ना ये लोग निकाल देंगे। अब मैं बोल रही थी अमीर रेस्टोरेंट में ये होता है वो होता है, पीछे से वो बंदा आ रहा है। What I believe is it is not only the restaurant जिसका वो matter करता है, हाँ, it is about the whole vibe, it is for the whole experience, which is beautiful. Also guys, right now we are going for my lunch because I'm hungry, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। We are going at Tapri, let's go. This is like a proper cafe, beautiful cafe. यहाँ पर आपको चाय मिलेगी 120 वगैरह की, तो वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। बट आई कैन डेफिनेटली ऑर्डर एक चीज़ मैं जरूर ऑर्डर कर सकती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था, सो यू गाइस रिकमेंडेड मी टपरी, सो आई एम हियरिंग इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, गाइस गॉट अ गुड चॉइस टपरी एंड मी, लाइक दिख रहे हो। मैं भी कन्फ्यूज, दाल पकवान या मैगी, आप मुझे बताइए दाल पकवान ज़्यादा अच्छा है बैचलर्स मैगी? Dude, this looks so tempting. It is very tempting. I am so happy मैंने दाल पकवान ऑर्डर किया है। सो आई कैन सी अ क्रिस्पी लेयर, उसके ऊपर दाल है, चटनी पड़ी है इमली वाली और फ्रेशली चॉप्ड वेजिटेबल। जनरली स्पीकिंग ये जो है ना, ये वाले जो फ्लेवर्स हैं ना, ये मेरे को और कम्फर्टिंग लगते हैं। लाइक या तो हम यही खाते आए हैं, हम बाहर जाते हैं तो यही सब खाते पीते हैं। क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, मेरे को इज वेरी गुड, जनरली स्पीकिंग आई लव इट, बट आई लाइक दिस मोर, लाइक आई लव द फ्लेवर्स हियर। सो यार रेट दिस, आई रेट फॉर द प्राइस, दिस इज 400 rupees, फॉर द प्राइस आई रेट इट 9 out of 10। थैंक यू नी, आउटडोर वाला सिटिंग एरिया वीडियो का ना जो एकदम हाईलाइट वाला पॉइंट है ना, वो अब आने वाला है। वी आर सो एक्साइटेड फॉर द हाई टी क्योंकि हमने बहुत सुना है हाई टी के बारे में और मुझे बहुत कस के धूप लग रही है, मेरी आंखें नहीं गई। इट इज अ मस्ट विजिट, लाइक मोर नाच रहे होते हैं, बाकी हाई टी इज वेरी गुड। सो जिसको भाई जिसके नसीब में हाई टी लिखी होगी, हाई पैसे दे के वो करेगा। अभी भी 10 रुपए डिसाइड करेगा कि आज किसकी चांदनी होगी। yes. क्या लगता है कौन जीतेगा? वैसे सुबह से दोनों बार मैं जीती हूँ, ये एक चीज है जो हम दोनों को चाहिए। अच्छा वापस मेरा है, तेरा टेस्ट। चल हाँ, okay. एक मिनट, यहाँ चल ठीक है। एक और बार हमने तीनों बार अलग कॉइन से किया है। मैं आई एम द विनर गाइस, तीनों बार मैं जीती हूँ। एंड व्हाट डू यू थिंक, जीती नहीं है ठीक है, जो खुश हो रही है कोई नहीं, कर लेना। तो हमें क्या ये चीनी मिला के पीने वाली चाय नहीं पसंद है, रियल चाय पसंद। मैं हाई टी करने वाली हूँ रामबाग में, देयर इज अ कैफे कॉल्ड वरांदा कैफे, वो पूरा ओपन में है। सो आई विल बी हैविंग माय हाई टी देयर एंड आई विल बी हैविंग अ कॉफी, एसपीएफ की कॉफी, एसपीएफ की कॉफी, एसपीएफ की कोल्ड कॉफी पियेंगे हम। सो लेट्स गो। ओके गाइज, हम जानवी की कॉफी वाली जगह पे आ गए हैं। इन्होंने खुद ही लिख रखा है कॉफी वाले भैया, एफपीएफ भैया, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। ओके गाइज, वी हैव सम गुड कॉफी हियर। अच्छी यार, काफी अच्छी है, वेरी थिक, वेरी नाइस, नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट टू लाइट। रेट योर कॉफी? I'll rate this 8 out of 10. Nice. Okay, we are right now here at the Rambagh Palace. So, क्या मस्त birds के chirping की आवाज आ रही है? This place is beautiful. It's मैंने अभी तक कुछ भी order नहीं किया, I'm just sitting here. I can just hear some birds chirping. आजू बाजू इतना सुंदर महल है मेरे, I can see waterfall. सामने मुझे मोर दिखाई दे रहे हैं। I have the high tea का मेन्यू here with me. So they have two options. One is the western one and one is the Indian one. Western वाले में काफ़ी सारे केक्स हैं, चीज केक हैं, सिट्रॉन टार्लेट्स हैं। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। सो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर विद पूरे माहौल के साथ। चाय इज द बेस्ट थिंग विच गोज। सो या, आई एम जस्ट
हैप्पी। हाइटी का मेन्यू है ना, ये एक सेट मेन्यू, इट इज़ नॉट द अनलिमिटेड वाला थिंग। आपको ये मेन्यू में जितनी भी चीज़ें ना, ये सब आपको मिलेंगी, एंड लाइक यू कैन शेयर इट विद द पीपल ऑन द टेबल। चाय या कॉफ़ी, अब वो सिर्फ एक ही मिलता है, वो आप और एक्स्ट्रा ऑर्डर कर सकते हो। बाकी इट्स सेट मेन्यू, आपको सारी ही चीज़ें मिलेंगी जो जो उस पर लिखी हुई हैं। आई बैडली वॉन्टेड टू ट्राई द वेस्टर्न वाला मेन्यू, क्योंकि उसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई थी जो मैंने कभी नहीं ट्राई की हैं, तो मुझे मज़ा आती वो ट्राई करने में। बट क्योंकि उसमें मेजरली चीज़ों में एग्स थे, बहुत कम ही चीज़ें मैं ट्राई कर पाती, तो आई वाज लाइक नहीं, आई हैव माय इंडियन वन। कटलरी देख रहे हो आप, इतनी सुंदर लग रही है ब्रो, ऐसा लग रहा है ये अनयूज स्पून्स वगैरह हैं। देख, हमारा ना फूड आ चुका है यहाँ पे, लुक्स वेरी टेम्पटिंग, काफ़ी ऐसी ना लैविश वाली फील करवाएगा। मुझे इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम लगी, आई जस्ट शो यू देयर वड़ा पाव, इट्स वेरी क्यूट। बट यार ये तो एक निवाले का वड़ा पाव है, रियली रियली अप्रिशिएट शेफ के यू नो एफर्ट्स, सारे क्लियरली दिख रहे हैं, लाइक आई कैन सी ये काफ़ी एफर्ट्स के साथ बनाया गया है। मैं बस मेरी चाय का वेट कर रही हूँ, ये जो बर्ड्स की चॉपिंग की आवाज़ आ रही है, दिस इज़ द बेस्ट म्यूज़िक। बीच बीच में मोर बोल रहा है, ये देख रहे हो, वेरी 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 ब्यूटीफुल। देखो अगर ना आप मेरे जैसे थोड़े बहुत खाने के शौकीन हो, एंड इफ यू वांट टू सेलिब्रेट समथिंग, योर फर्स्ट सैलरी और यू नो आपकी एनिवर्सरी या बर्थडे, और आपको ऐसे पार्टी पूटी नहीं पसंद, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विथ फ्यू ऑफ योर लव्ड वंस। बहुत सारों का बिल बहुत लंबा बनेगा, जो दो चार के साथ यू कैन डेफिनेटली ट्राई। गाइस मेरी चाय आ गई है, और क्या मस्त खुशबू आ रही है मेरे चाय की। गाइस साहब आई लव दिस, आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता है मैं पानी वाली चाय बोलती हूँ। ये है यार, मेरे को कभी बाहर नहीं मिली, दिस इज़ व्हाट आई मेक एक्चुअली, आई स्वेयर गाइस, ये मैं हर रोज़ बनाती हूँ और मुझे कभी बाहर नहीं मिली है। ओह माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस प्लेस नाउ। अगर आप लोग दूध वाली चाय पीते हो ना तो आपको ये नहीं अच्छी लगेगी, पर मुझे जेन्युइनली दूध वाली चाय कम पसंद है। हाय हाय हाय, कितना सुकून मिल रहा है, आई एम सो हैप्पी। ओके गाइस, साथ हमें यही बच चुकी है, एंड आई एम फुल टिल हियर, और अभी तो मुझे ये फिनिश भी करना है। इवन आई एम फुल लाइक एनीथिंग बिकॉज दैट कॉफी वाज सो हैवी। हमारा प्लान ये था कि हम डिनर भी आज ही कंटिन्यू करेंगे, बट बिकॉज नाउ वी आर सो फुल एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट मनी एज वेल एज द फूड, हम डिनर कल करेंगे सेम इसी बजट के साथ। एंजॉय भी कर पाए द अमाउंट दैट वी आर एक्चुअली पेइंग, तो हम आपको कल रात में मिलेंगे। अभी दीदी हाई टी एंजॉय करेगी एंड वी विल गो बैक टू होटल द नेक्स्ट डे। हेलो गाइस, हम एकदम चेंज होके आ गए मैचिंग पहन के, एंड अब वो घड़ी आ गई है जब हमें डिनर डिसाइड करना है। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डिनर के लिए, कल तो आई वाज सो टायर्ड बिकॉज अभी हमने लंच भी इतने ढंग से नहीं किया है। सो वेरी हंग्री, एंड ये बार मैं जीतूंगी क्योंकि अभी तक तू जीत। हाँ, अभी तक तीनों बार मैं जीती हूँ। डूल अभी ये वीडियो को यहाँ पॉज करो और कॉमेंट करके बताओ, वॉट डू थिंक कौन जीतेगा? अच्छा तू उछालेगी क्या? चलो ठीक है, ओके। ये ₹2.13 और ये ₹2.13, ठीक है ठीक है, ओके। 6,000 की थाली, ओके। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक आई ओनली विन, आई विन। मम्मी भी बहुत एक्साइटेड है, आज हमें मम्मी पापा भी ज्वाइन करने वाले हैं, आज हमारा लास्ट डे, वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट 6,000 की थाली। बट कल पूरे दिन इसीलिए लग्जरियस लाइफ जीना। को ऐसे थोड़ा सा दुख तो है क्योंकि 6,000 वाली थाली मेरे को चखनी भी नहीं मिलेगी, पर मेरे पास अभी बहुत सारे पैसे बचे हैं 500 में, सो आई एम आल्सो हैप्पी फॉर दैट। मेरी बहन खाए मैं खाए एक ही बात है, ये खाए मेरे पेट में ही जाए। बातें गाइस, लेट्स गो। मैं पता है डेजर्ट के साथ अपना डिनर कंप्लीट कर सकती हूँ, इतने पैसे हैं, 280 रुपए फुल एंड हाफ बोथ, सो इट इज बेस्ट फॉर यू। यस, दे आर फुल एंड हाफ बोथ, खाना वेस्ट भी नहीं होगा। ओह यस, आई फील लाइक हैविंग कढ़ी चावल, मैं भी कसम से गोपाली दिल का चावल, कढ़ी चावल गो विद कढ़ी राइस। Guys, there's some yummy yummy curry chawal here, salad, और तीखा वाला वो जो लाल खट्टा वाला चार होता है ना वो है। I'm just so happy, happy, smells good. I can smell Indian masale, तीखे वाले, and I like it. Curry is little bit like extra spicy, but it is yummy. तुझे tasty यार है, तीखा खाना भी था ना थोड़ा सा। तीखा खाना भी थी. It will like fulfill your soul. इन्होंने ना ये बड़ी वाली मिर्ची का, लहसुन का, प्याज का तड़का लगाया है, which is adding a lot of flavor. और मम्मी ने मिलकर हमने एक्चुअली उसको
60% जितना ख़त्म कर लिया है. बट इफ़ यू आस्क मी कि मैं इसको कितना रेट करूँगी, आई विल रेट इट 10 out of 10. इट इज़ अमेजिंग. गॉड, आई विश मैं भी यही सेम रेटिंग दे पाऊँ मेरे राज विला. आई हैव माई डेजर्ट, लुक्स वेरी टेम्पटिंग, एकदम ठंडी है. और अभी भी 30 रुपए बचे हैं मैडम के पास. 30 रुपए बचे हैं मेरे पास. छाछ भी पी है, डिनर भी किया है. मिड नाइट स्नैक भी ले सकती हूँ अपना, बिग बॉस देखते देखते खाऊंगी. अच्छी है. We are at Oberoi's Raj Vilas. And oh my God, guys, क्या प्रॉपर्टी बनाई है. मतलब गूगल मैप्स में आपको इतना बड़ा जगह दिखेगा. एंड द वे दे वेलकम यू, दे विल फील यू, दे विल मेक यू फील लाइक सम महारानी. एंड लुक एट दिस एंट्रेंस, ओह गॉड, आई एम जस्ट इन शॉक. I am excited. This is not just about the food, thali, it is about the experience. Yes. सो हम ना अंदर बैठे थे एंड देन वी जस्ट सॉ दिस ब्यूटिफुल आउटडोर सेटिंग. यहाँ पे ना इन्होंने मशाले जला रखी हैं बहुत सुंदर एंड विथ येलो लाइट्स, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. तो हम बाहर की साइड आ गए हैं. मैं खाना कुछ नहीं खा रही हूँ, बट स्टिल आई जस्ट फील सो रिलैक्स्ड. आई लव इट, आई लव द वाइब. तो मैं अभी वॉशरूम गई थी, मैंने हाथ धुले तो धुले, मैं मॉइस्चराइज भी कर गए, लाइक दे हैड एवरी फ्रीकिंग थिंग. और पता है दे आर सो स्वीट. तूने अपना बैग नीचे रखा था ना, सो दे जस्ट केम, दे गॉट अस लाइक दे गॉट अस स्टूल एंड दे केप्ट योर बैग. एंड वी ऑल्सो हैव सम लाइव म्यूजिक देयर. जानवी, वी ऑल्सो हैव सम कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ हियर. सो गुड यार. आई गेस देयर सम क्रोसॉन्स. ओ माय गॉड, ओके, देयर टोमेटो बंस एंड वी ऑल्सो हैव सम पापड़. I just had a word about the thali. So for thali you need to pre-book it. हम कर सकते थे पर मुझे पता ही नहीं था कि pre-booking होती है. They're still trying. Let's see. होता है नहीं. मैं चाहती हूँ थाली मिले. I actually want to experience it because I know it is very expensive, but if you are celebrating something special, you know, it's just a matter of experience. पैसा हमने कौन सा अपने ऊपर लेके जाना है, यहीं कमा लो और यहीं एक्सपीरियंस कर लो सारी चीज़ें. एक्सपीरियंस ही जाना है साथ में. दैट इज़ वॉट आई पर्सनली बिलीव. सो नॉट विथ योर पेरेंट्स मनी और नॉट, लाइक इफ़ यू अर्न योर सेल्फ एंड यू वॉन्ट टू यू नो जस्ट फील द लग्जरी और ऐसे करना है ना, तो डेफिनेटली यू शुड डू. कबाब एंड पनीर टिक्का, लेट्स टेस्ट. यस, और एक्चुअली दिस थाली इज मेजरली लाइक यू गाइस कैन शेयर इट विद टू पीपल. सो एक्सप्रेस इट डूड, इतना अच्छा है क्या? इट इज दही कबाब. आई डोंट नो इन्होंने कैसे बनाया, बट इट हैज दही इनसाइड इट एंड द फ्लेवर्स आर सो वेल मेंटेन. गाइस, आई एम लविंग द होल वाइब ऑफ इट एंड दे गिव मी टू स्टार्टर्स. आई लव द दही वड़ा. इनकी थाली आ गई है और मुझे वापस भूख लग गई है. भाई साहब, क्या स्मेल आ रही है. दिस इज रायता. ये है 5 दालों का मिक्सचर. दिस इज पालक पनीर या पालक का कुछ है. दिस इज पापड़ पनीर कड़ी. दिस इज केर सेंगरी. We have some ghee, this is lasani chutney, this is good rice, we have bajre ki roti, we have bati, we have normal chapati, normal bread, we have churma as well with it. And so, salads aur bahut sare alag alag type ke achar wagaira bhi rakhe hue hain. No, maa beti sharing and caring kar rahe hain is time pe. Yeah, there are too many breads. Mai to mast ekdam khush hai, mai to papad kha raha hoon. Good. That good? It is good. Not okay. Good. Okay. The flavors are well maintained. Like kuch upar nahi, kuch zyada nahi. Like literally smell some good flavors right here. Mummy ek dusre ko dekh rahe hai kyunki hame nahi pata ye kaise khatam hoga. Bahut sara hai aur main akele to nahi kha sakti. You know, nothing out of the box. Bahut sara. So. मैं अभी वॉशरूम होके आया, पता है इतनी सारी लाइटें मेरे घर में नहीं लगी हैं जितनी इनके एक वॉशरूम. मेरा पार्लर जो मैं जाती हूँ वो पार्लर इतना बड़ा नहीं है जितना इनका वॉशरूम है. पहले तो मेरे को लगा कोई रईस पार्लर में चली गई. रसमलाई माई फेवरेट एंड वी हैव गुलाब जामुन पापा फेवरेट. यस, तो ये जाएगा मम्मी के पास, ये जाएगा मेरे पास, ये जाएगा पापा के पास. तो
से नैना मिलई के दिस इज द रीजन यू शुड कम हियर लेटो से मैं बहुत अच्छा अभी अभी पता चला है कि घपला हो गया है हमें इस रेस्टोरेंट नहीं आना था 6000 की थाली यहाँ नहीं मिलती है द थाली वॉज फॉर 3600 रुपीज जाने 3600 के लिए इट वॉज वर्थ इट Yes, it was because the quantity was also a lot. क्या कहोगे मम्मी? बिल्कुल बिल्कुल 3600 के लिए वर्थ इट था हमें एक्चुअली सुवर्ण महल जाना था सुवर्ण महल एंड दिस इज ऑल्सो सम महल विद स्टार्ट्स फ्रॉम एस तो मैंने थोड़ा मिसकम्युनिकेट करके और मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया आई एम जस्ट पिस्ड ऑन माय सेल्फ बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू यू नो गो विद 6000 वाला चीज हेलो गाइस दिस इज एडिटिंग गोपाली और जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से हम 15000 वाला मार्क नहीं पहुंच पाए वरना हमारा प्लान ये था कि अगर हम 6000 की थाली ट्राई करेंगे तो 15000 वाला मार्क पहुंच जाएंगे बट अभी होगी मुझसे गलती सॉरी नेक्स्ट टाइम हम जरूर ट्राई करेंगे कि मैं ना ध्यान रखूं इन सारी चीजों का लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट और आप और कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह है जो आप चाहते हो मैं ट्राई करूं नेक्स्ट मैं कौन सा सिटी में करूं जस्ट नो दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड या आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो इफ यू डिड सो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट वन तब तक बाय बाय टेक केयर बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस टाटा